कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है. मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज़ पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम. और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आई डोंट थिंक आई एम केपेबल. लेकिन इतना टैलेंट देखते हैं कि ऐसा लगना शुरू हो जाता है हम कुछ नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम में कुछ भी नहीं है. मतलब बहुत ज़्यादा यूजलेस फील होना शुरू हो जाता है. बहुत अच्छा गाया यार, आउटस्टैंडिंग गाया, सुपर फैंटास्टिक, हिस्टोरिक. थैंक यू सो मच सर. ऊपर नीचे एकदम बहुत जबरदस्त, मेरे को बहुत अच्छा लगा. जैसे आपने जब गाया तो आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए और ये आके ले जाइए. नमस्ते मैम. नमस्ते सर. नमस्ते, नमस्ते. क्या नाम? मेरा नाम पंकज कुमार है. आपकी उम्र क्या है? सर मैं 22 साल का हूँ और मैं बिहार का एक छोटा सा गांव से हूँ. अच्छा, गाना सीखा कहाँ से आप? और सर मैं गाना सुन कर सीखा हूँ और ज्यादातर हम सानुदा के गाना सुनते हैं. मैं हर वक्त गाना गाता रहता हूँ और लोग मुझे मजाक उड़ाते हैं. क्या मुझे गाना गाने का कोई हक नहीं है क्या? बिल्कुल है. क्या गाने वाले हो आज? सर आज मैं एक बहुत ही अच्छा हिंदी सॉन्ग सुनाने वाला हूँ, लंबी जुदाई. वही गाना सुनाऊंगा मैं. ऑल द बेस्ट. से बयां मैंने ना किया है, पर एक लम्हा ना तेरे बिन जिया. जाना मैंने जाना ये दिल लाजमाने से, प्यार छिपे ना प्यार छिपाने. चन्ना वे चले आना जा. क्या बात. वाले तेनु पिंड दिया गलियां पुकारेंगी, तेनु बागा विच कलिया पुकारेंगी. याद ही रह जाती है बाकी सब.
आने की खुशियाँ मिले तुझको वो सारे जमाने की, बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, हो चन्ना वे चले आना जाने वाले तेनू पिंड दिया गलियां पुकारेंगी, ओ जाने वाले तेनू बागा विच गलियां पुकारेंगी, ओ जाने वाले तेनू बागा विच गलियां
होते हैं तेरे संग लड़ लड़ावा रे तेरे संग लड़ लड़ावा तेरे संग प्यार निभावा रे तेरे संग प्यार निभावा बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं अपने तुझको वो सारे जमाने की बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है बाकी सब सपने होते हैं कैसे हैं भाई सर हम गरीब लोग हैं कैसे रहेंगे सर इसी तरह चल रहा है सर नहीं देख रहे हैं फटे हुए कपड़े पहन कर आए हैं क्योंकि पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं आप तो जानते हैं कि गरीब की हालत क्या होता है नाम क्या है सर सर मैं अपना नाम आप लोगों को कितना बार बता चुका हूँ लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो फिर से बता देते हैं सर मेरा नाम पंकज कुमार हुआ सर अच्छा कहाँ से आप सर मैं बहुत गरीब राज बिहार के छोटे से गांव से हूँ सर क्या स्टाइल में गाते हैं आप सर हम गरीब हैं हमारा कहाँ कोई स्टाइल होता है कि मैं गा सकूँ सर वैसे में तो मैं सारे गाना गा लेता हूँ लेकिन आज मैं दलितों के लिए गाना चाहता हूँ दलितों को कैसे नीचा दिखाया जाता है वह मैं गाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त एक दलित फैमिली से बिलोंग करता है उसी ने हमको बोला कि दोस्त तुम दलित पर गाना गाओ इसीलिए सर मैं आज अपने दोस्त के लिए गाना गाऊंगा पूरे दलित समाज के लिए गाना चाहता हूँ अगर गाना अच्छा लगे सर तो कुछ पैसा हेल्प कीजिएगा सर और गायकी में इंटरेस्ट शुरुआत कहाँ से हुई आपकी सर बचपन से एक्टर और सिंगर बनने का ख्वाहिश था लेकिन सर हम लोग गरीब लोग हैं ना ईंट पत्थर उठा बाहर में लेबरगिरी करके पेट चला लेते हैं और थोड़ा गाना भी गुनगुना लेते हैं सर और वहीं से इंटरेस्ट आ गया सर आप तो जानते हैं कि सर गरीबों की कोई इंटरेस्ट नहीं होता है गरीब है ना सर चलिए सुनते हैं पहले फिर बातचीत करते हैं ओके सर
कैसी है कयामत, ये कैसी है कयामत, बिजली दिलों पे गिरी है, बिजली दिलों पे गिरी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है, ये कैसी है कयामत। ये कैसा अंधियारा, खोया आलम है सारा, ये कैसा अंधियारा, खोया आलम है सारा, नीले कफन तले है, नीले कफन तले है, सोया मसीहा हमारा, सोया मसीहा हमारा, अब कौन है सहारा, अब कौन है सहारा, किस्मत रूठी पड़ी है, किस्मत रूठी पड़ी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है, ये कैसी है कयामत। याद आ रही है वो बात सब तुम्हारी, याद आ रही है वो बात सब तुम्हारी, जुल्मों से लड़ लड़ कर, जुल्मों से लड़ लड़ कर किस्मत कौम की सुधारी, किस्मत कौम की सुधारी, घर घर में देखो आज, घर घर में देखो आज, बाती बुझी पड़ी है, बाती बुझी पड़ी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है, ये कैसी है कयामत। देखो वो जल रहा है दलितों का मसीहा, देखो वो जल रहा है दलितों का मसीहा, रो रो के कह रहे बाबा,
रो रो के कह रहे बाबा, छोड़ो न संग हमारा, छोड़ो न संग हमारा, हाहाकार सा मचा है, हाहाकार सा मचा है, दिल में अगन लगी है, दिल में अगन लगी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है, ये कैसी है कयामत। ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज़ पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आई डोंट थिंक आई एम केपेबल, लेकिन इतना टैलेंट देखते हैं कि ऐसा लगना शुरू हो जाता है हम कुछ नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम में कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा यूजलेस फील होना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा गाया यार, आउटस्टैंडिंग गाया, सुपर फैंटास्टिक हिस्टोरिक। थैंक यू सो मच सर, मैं आप लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि आपने हमें इस मंच पे गाने का मौका दिए, और जितने हमारे लोग ऑडियंस देख रहे हैं सभी हमारे हेल्प के लिए एक एक व्यूअर्स बढ़ाकर खूब देखें, थैंक यू। मैं बहुत गरीब हूँ मैम, और मैं गरीबी से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। मेरा एक छोटा सा घर है जिसमें मैं सोता हूँ, तो सोने के बाद बारिश जब आती है तो बारिश से पूरी देह भीग जाती है, पूरी बिस्तर गीला हो जाता है। क्या बताऊँ मैम, मैं छोटा मोटा जॉब करता हूँ, कैमरा चलाने जाता हूँ, किसी के शादी ब्याह में काम करने जाता हूँ, और वहीं से कुछ पैसा मेरे को मिलता है, उसी से मैं गुजारा बसारा करता हूँ, और उसी से हमारे जितने खर्चा है उसी से चलता है। क्या बताऊँ मैं, एक गरीब का यही फूटी हुई नसीब होती है जो वो गरीबी में पैदा लेते हैं। और मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं बिहार के एक छोटे से गांव अठमहान से बिलोंग करता हूँ, और मैं हम जब कहीं पे भी चौक हो या कहीं भी मैं गाना गाता हूँ वहीं पे सुनाता हूँ। सुबह को उठता हूँ तो होटल होती है वहीं पे जाता हूँ, बस वहाँ पे जाता हूँ, अपने सुर को यानी गाना सुनाने जाता हूँ किसी को, कि अच्छा लगे तो वो भाई हमको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं एक गरीब से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ। और उसके बाद वहाँ पे मैंने गाना गाने का थोड़ा तरीका और गाना भी गाया, तो वहाँ के लोग हमें बहुत ही अच्छा माना, बहुत ही अच्छा समझा, उसने ये भी कहा कि तुम तो बहुत ही अच्छे गाते हो, तुम कहीं ट्राई क्यों नहीं करते हो। तो मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, पंकज एक्टर वन के आईडी पे अपलोड किया, तो उस पे बहुत लाखों व्यू गया था, और आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंचा, तो आप लोगों ने हमें इस गरीब को इस बदनसीब को मदद करने के लिए आपने हमें बुलाया इस मंच पे, और इस मंच पे मैं हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है, बस लेकिन हमारे पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है कि मैं अपने घर बना सकूं। एनीवे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप
घर की छत बनवा लीजिए, उसके लिए मैं आपको 5 लाख देना चाहूंगी। आप बस ये रख लीजिए मेरी तरफ से छोटी सी भेंट, आप घर बनवा लीजिए। थैंक यू मैम, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू सो मच मैम। मेरा सपना है कि मैं एक सिंगर बनूं, और मेरे जैसे अनेक बंदे हैं जिनके पास कलाकारी है और जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उनको भी मैं मदद करने का प्रयास करूं। तो आप लोग प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना, और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। चलिए जरूर सुनते हैं। कम ऑन ब्रदर, गुड लक। प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पहरा नहीं, टूट जाएगी हर हथ कड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी। में पानी ना हो, आदमी जब हंसता है, आदमी जब रोता है, बहुत ज्यादा खुशी जब होता है, आदमी जब बहुत खुश होता है तो भी आंखें बरसती है ना, और आदमी जब बहुत गम में होता है तो भी आंखें बरसती है, दोनों स्थिति में आंखें रोती है, खुशी और गम एक दूसरे के पूरक है मित्रों। खुशी आएगी तो उसके बाद में गम भी आएगा, दुख भी आएगा, उसके बाद में वापस सुख भी आएगा। ये बादल वाली छाया है, बदलती रहती है, उसका गम ना करो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। और ये हमारे भैरव सिंह जी जैसे जवान, फौज में जवान बोलते हैं, भले 50 साल का फौजी हो जाए तो भी बोलेगा जवानों। तो बस आपके लिए हम दुआ करते हैं, वो घड़ी।
तुम्हारी उम्र हजारों साल हो जाए। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे, गम की दुनिया कवि कथाकार वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि उसके जब गीत बजाए जाएंगे तो वो जिंदा हो जाएगा। तो बस मैं आपके साथ में यही कि आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर मोड़ पर। आप जब मन बनाओ तब कोई ना कोई माध्यम से प्रकाश माली से उसके भजन सुन के आप मिल लीजिए। मेरे से कोई कमी गलती पेशी कुछ भी रह गया हो तो मैं क्षमा, मैंने पूरी कोशिश की आज, लगभग बहुत लंबा गाने का, फिर भी कुछ रहा हो तो आप मुझे क्षमा करोगे ना। तो बस यही दिल की दीवानी, आज से अपना वादा, हम मिले कहाँ से हो आप सर? सर मैं बिहार के छोटे से गांव से हूँ। और नाम क्या आपका? सर मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। अरे वाह, ये पोटली में क्या लाए हैं आप? मैं कहीं जाता हूँ काम करने तो लोग बासी खाना फेंक देते हैं, मैं उसी को उठा कर इस पोटली में रख लेता हूँ ताकि बाद में खा सकूँ। और इसमें कठपुतली भी है मैम। कठपुतली? कठपुतली क्यों? सर जब कभी काम नहीं मिलता है तो कठपुतली खोल कर खेला दिखा देते हैं सर, उसी से 40-50 रुपया कमा लेते हैं सर, कभी कभी उसी से घर चल जाता है सर। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुन? नहीं सर, आज हम सुनाने वाले हैं जब किसी का बुरा वक्त चलता है उसी पे एक गाना बना कर रखे, वही सुनाना चाहते हैं। ओ वाओ, आपके साथ आपके मम्मा पापा या कोई फैमिली से आप? मैम मेरे आने के पास खुद ही पैसा नहीं था तो मम्मी पापा को कैसे लाते। तैयार हो आप? तैयार तो है मैम, बस थोड़ा नर्वस हो जाऊंगा, गरीब है ना, अगर कहीं गलती हो जाए ना तो मुझे माफ करना मैम। ठीक है चलिए। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं।
राहों में। हर कदम पे रंजो गम घुट के मरना चाहे हम, हर कदम पे रंजो गम घुट के मरना चाहे हम, हर कदम पे रंजो गम घुट के मरना चाहे हम। किस तरह बताए हम, इस तरह बताए हम मिले गए। हर कदम पे रंजो गम घुट के मरना चाहे हम, हर कदम पे रंजो गम घुट के मरना चाहे हम, हर कदम पे रंजो गम घुट के मरना चाहे हम। किस तरह बताए हम, इस तरह बताए हम क्या क्या दिल पे झेले हैं, किस तरह बताए हम क्या क्या दिल पे झेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। चक दे फटे ते नप दे गिल्ली, वो मजा आ गया। मतलब बहुत ही बेहतरीन, तू यार लास्ट मिनट में तूने गाना चेंज कर दिया, तूने गाना गा दिया, कैसा लगा आप सबको? बहुत ही बढ़िया, तेरी नसें पूरी नसें बाहर आ गई, मैं कहता हूँ कमाल गाया तूने, बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप सर? सर मैं बिहार के छोटे से गांव से हूँ। और नाम क्या आपका? सर मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। अरे वाह, ये पोटली में क्या लाए हैं आप? मैं कहीं जाता हूँ काम करने तो लोग बासी खाना फेंक देते हैं, मैं उसी को उठाकर इस पोटली में रख लेता हूँ ताकि बाद में खा सकूँ। और इसमें कठपुतली भी है मैम। कठपुतली? कठपुतली क्यों? सर जब कभी काम नहीं मिलता है तो कठपुतली खोल कर खेला दिखा देते हैं सर, उसी से 40-50 रुपया कमा लेते हैं सर, कभी कभी उसी से घर चल जाता है सर। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुन? नहीं सर, आज हम सुनाने वाले हैं जब किसी का बुरा वक्त चलता है, उसी पे एक गाना बना कर रखे, वही सुनाना चाहते हैं। ओ वाओ, आपके साथ आपके मम्मा पापा या कोई फैमिली से आप? मैम मेरे आने के पास खुद ही पैसा नहीं था तो मम्मी पापा को कैसे लाते? तैयार हो आप? तैयार तो है मैम, बस थोड़ा नर्वस हो जाऊंगा, गरीब है ना, अगर कहीं गलती हो जाए ना
तो मुझे माफ करना मैं। ठीक है चलिए। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, हो आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। हर कदम पे रंजो गम घुट के मर न जाए हम, हर कदम पे रंजो गम घुट के मर न जाए हम, हर कदम पे रंजो गम घुट के मर न जाए हम, किस तरह बताए हम, इस तरह बताए हम मिले हैं,
कदम पे रंजो गम घुट के मरना चाहे हम। हर कदम पे रंजो गम घुट के मरना चाहे हम। हर कदम पे रंजो गम घुट के मरना चाहे हम। किस तरह बताए हम, किस तरह बताए हम, क्या क्या दिल पे झेले हैं। किस तरह बताए हम, क्या क्या दिल पे झेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। चक दे फटे ते नप दे गिल्ली। वो मजा आ गया, मतलब बहुत ही बेहतरीन। तू यार लास्ट मिनट में तूने गाना चेंज कर दिया, तूने गाना गा दिया, कैसा लगा आप सबको? बहुत ही बढ़िया, तेरी नसें पूरी नसें बाहर आ गई, मैं कहता हूँ कमाल गाया तूने, बहुत बढ़िया। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.